तो निसर्ग वावाझोड़ा ने लेने केंद्र सरकार पण हवे सतर्क थई चुकी छे अने त्यां पण बैठकनो दौर शुरू थयो छे। खुद गृहप्रधान अमित शाह नजर राखी रह्या छे अने एनडीआरएफना अधिकारी साथे ताकीदे बैठक करी वावाझोड़ानी स्थितिनी तेमणे समीक्षा करवा माटे बैठक योजाई। संवाददाता रजनीश रंजन फोनलाइन पर। रजनीश, पूरी खबर। तो लागे जे संपर्क नहीं थई शक्यो, गृहप्रधान अमित शाह एनडीआरएफ अधिकारी साथे बैठक मळी छे वावाझोड़ानी स्थितिने लईने। आ बैठकनी शरूआत एनडीआरएफ अधिकारी साथे निसर्ग वावाझोड़ू आवनार समय में बे दिवसनी अंदर गुजरातना जे तटीय विस्तार छे त्यां त्राटके तेवी शक्यताओ छे अने तेने लईने अत्यारे केन्द्र सरकार पण सतर्क थई चूकी छे। ते पण मीटिंग करी रह्या छे गृहप्रधान खुद अमित शाह के जे एनडीआरएफ अधिकारी साथे बैठक करी रह्या छे। रजनीश रंजन संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, पूरी खबर। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एनडीएमए के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक चल रही है और जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र में उसका जायजा लिया जा रहा है, उसका एक तरह से रिव्यू किया जा रहा है और क्या तैयारी दोनों राज्यों की है और केंद्र सरकार इसमें किस तरह की मदद कर सकती है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। दोनों राज्यों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। राज्यों के संपर्क में केंद्रीय गृह मंत्रालय है, ये जानकारी सामने आई है और कोई भी अगर आपात स्थिति आती है, क्योंकि एनडीएमए और जो आईएमडी है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अपनी ओर से लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच में अगर कोई इमरजेंसी स्थिति आती है तो किस तरह का डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है और जो डिप्लॉयमेंट अभी हो रहे हैं उसको और कितना आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि कम से कम नुकसान हो और जो लोकल रूट है वहां पर किस तरीके का जो अलर्ट है वो और इशू किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह के मामले हैं, ये तमाम तरह के बिंदु हैं जिस पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री ने ये बैठक बुलाई है। ये बैठक अभी भी चल रही है और जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद हो सकता है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने आए। फिलहाल ये बताया गया है कि दोनों राज्यों के संपर्क में केंद्रीय गृह मंत्रालय है और दोनों राज्यों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस आपदा से निपटने की प्लानिंग की जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल रजनीश, शुक्रिया पूरी।